अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में भले ही धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम जारी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि बेरोजगार अपनी चरम पर है। बढ़ते जुर्म की वारदात इसी का नतीजा कह सकते हैं। यकीनन पहले लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते थे, पॉकेट मार भी बड़ी चालाकी से हाथ में ब्लेड के जरिए पर्स काट ली जाती थी। बाज औकात तो जेब के साथ जिस्म भी कट जाता था, लेकिन तेज जख्म होने की वजह से थोड़ी देर बाद बहता खून एहसास दिलाता था कि किसी ने जेब तो काटी है, उसका जख्म भी हुआ है। पहले बसें को भीड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब तो महिलाओं को मुफ्त सफर है तो ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, लेकिन पहले बसें ही एक जरिया था सफर का। वक्त के चलते बहुत कुछ बदल गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक आबादी आज भी बसों का सफर करती है। खैर, आज बढ़ती जुर्म की वारदातों को लेकर पुलिस महकमा ने आवाम को हिदायत दी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चोरों से बच के रहे। गूगल पे फोन पे आने के बाद रुपए सड़क पर गिरना या चोरों की जानिब से बटवा चुराना वगैरह वारदातें तो कम हुई, लेकिन मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ गई। अब तो आप मोबाइल पर बात करते होंगे, कोई मोटरसाइकिल पर आएगा और आपका मोबाइल छीन कर चला जाएगा। आज शाम ही को मोहम्मद अली डबल रोड पर इस तरह की वारदात पेश आई। चोर को पकड़ा गया, एक औरत के हाथ से मोबाइल छीन कर जाते हुए कुछ नौजवानों ने देखा और उसे पीछा किया और उसे पकड़ लिया। मामला दर्ज किया गया, पुलिस थाने में उसे बिठाया भी गया, लेकिन मामला दर्ज हुआ है नहीं हुआ है अब तक मालूम नहीं है। खैर, आज किस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ी इस पर ही आज का ये तबसरा है। कोई मोटरसाइकिल पर आएगा और मोबाइल छीन कर चला जाएगा। पहले बटवे में 100-200 रुपए भी चोरी हो जाती तो अफसोस हुआ करता था, पर अब तो मोबाइल 25,000 से कम का नहीं होता। कुछ लोग ट्रैक करके हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोरी हुई चीज आसानी से तो नहीं मिलती। इसी तरह साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातें भी बासे फिक्र बात कही जा सकती है। लॉटरी लगी है, इनाम लगा है, या आपका गिफ्ट आया है, या फिर कौन बनेगा करोड़पति में आपने फला चीज जीती है, फला रुपया जीता हुआ वगैरह। जाहिर है लालच बुरी बला है की तरह किसी तरह कुछ रुपए भरकर लाखों का इनाम हासिल करने की चक्कर में उल्टा कर्जे में धस जाता है, और इस तरह की वारदातें बारहा बेलगाम शहर और अतराप में हो रही है। पुलिस की जानिब से बार बार हिदायत देने के बावजूद भी लोग शिकार हो ही जाते हैं। पिछले कुछ अरसे से गले में मंगलसूत्र या सोने के जेवरात को छीन कर चेन स्नैचिंग की वारदातें भी बढ़ चुकी है। सीसीटीवी के बावजूद भी मोटरबाइक के जरिए खवातीनों को निशाना बनाने की वारदातें हो रही है। अब तो छोटे बच्चों को भी चोरी डकैती घर फोड़ने में इस्तेमाल किया जा रहा है। चोरों में भी अब अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल रही है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बंद घरों को टारगेट करते हैं, तो कुछ भगवान के घर यानी मंदिरों को ही निशाना बनाते रहते हैं, कुछ मोटरसाइकिल की चोरी करते रहते, कुछ चेन स्नैचिंग में दिलचस्पी रखते हैं। पढ़े लिखे चोर आगे बढ़कर साइबर क्राइम में ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं। खासकर खवातीनों को आसानी से निशाना बनाया जाता है, क्योंकि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और बुजुर्ग खवातीन या मर्द दोनों भी कर रहे हैं। नौजवानों की तो सांसें और मोबाइल की रिंग एक साथ चल रही है। लिहाजा गणेश त्योहार और ईद मिलाद को लेकर बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। वैसे ईद का कोई खास बाजार तो नहीं रहता, लेकिन देहात करियों से गणेश त्योहार फिर मूर्तियों को देखने के लिए भी लोग बेलगाम शहर में आते जाते रहते, और इसी बहाने कुछ लोग फिल्मी थिएटर में जाकर या तो फिर सर्कस देखकर पैदल घूम फिर कर गणपति का नजारा देखने वाली भीड़ ज्यादा रहती है, और यही भीड़ जो है चोर आसानी से इन्हें निशाना बनाते रहते हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल कहीं तो पार्क करते हैं और बाजार में जाते हैं, जब लौटते हैं तो बेचारों की मोटरसाइकिल ही नहीं रहती। मतलब चोर भी बड़े चालाक हुए, इन्हें पता रहता है कि कौन शहरी है और कौन देहाती है। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किसी के जेब से बटवा या मोबाइल चोरी कर ये शख्स गायब हो जाता है। अब जिसने भी चोरी की उसे पकड़ा गया या सिर्फ वीडियो ही बनाया गया नहीं मालूम, लेकिन बेलगाम के अतराफ का ही वीडियो बता जा रहा है। कुछ जगह पर तो नौजवान नस्ल नशे के लिए चोरी कर रही है, और कुछ वालिदैन तो खुद अपने बच्चों से परेशान है। कई खवातीन चिट्ठी के जरिए या मुस्तकबिल में बच्चों के लिए कुछ सरमाया हो जाए इसके लिए रुपये जमा करती रहती है, पर रुपये लेकर ही भागने की वारदातें बेलगाम में हर हफ्ते सुनने देखने को मिल रही है। मना करने पर भी वारा वारा सोसाइटी फंड तकरीबन मोहल्लों में चल ही रहा है। ऐसे भी मर्द पाए जा रहे हैं जो औरतों को आगे करके कर्ज निकालते रहते हैं। खैर, कुल मिलाकर बढ़ती जुर्म की वारदातें माशरे को खोखला बना रही है। मंदिरों में देवी देवताओं के ताज जेवरात बेखौफ होकर चोरी किए जा रहे हैं। अक्सर खवातीन ईद त्योहार के वक्त सज धज कर घरों से निकलती तो है, नकली जेवरात पहनकर अमीरी का दिखावा करने वाली खवातीन भी वैसे देखा जाए तो ज्यादा है। चोर चोरी तो जान पर खेल कर करता है, पर हाथ नकली सोना लगता है तो उसकी भी क्या कैफियत होती होगी। खैर, मुख्तलिफ पुलिस थानों में पैसे मोबाइल जेवरात चोरी की फरियादें बढ़ रही है, आवाम को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। कुछ जगह पर बेलगाम में हाल ही में जो पेश आ रहा है कि सरकारी स्कीमों के बारे में बताकर लूटने की वारदातें पेश आ रही है। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का लालच दिखाकर फंसाया जा रहा है। हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जब आपकी कमाई आसानी से चोरी कर ली जाता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। वैसे भी आजकल झूठ का बाजार गर्म है, गरीब इंसाफ से महरूम रह जाता है, पैसे वाले इंसाफ को खरीद लेते हैं,
बैंक की किस्त ना भरे तो घरों के सामने तमाशा किया जाता है। वही हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाने वाले मोदी, चौकसी मल्ल्या आज भी विदेशों में ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं। जो भी हो, लेकिन हमारे लिए जो भी है वही सब कुछ है और इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, यही आज का पैगाम। आज का पैगाम कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब्दुल करीम तेलगी पर वेब सीरीज धूम मचा रही है। मुल्क की मईशत को हिलाने का काम बेलगाम खानापुर के करीम तेलगी ने किया था, जिस पर हंसल मेहता ने स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के नाम से पहले सीजन में 5 एपिसोड में कहानी पेश करने की कोशिश की है। लिहाजा इस पर खानापुर के जयंत नाइकर ने स्टैम्प पेपर घोटाला के नाम से किताब लिखी है, जिसका रस्म इजरा कल खानापुर में किया गया। तेलगी की कहानी पर इन्होंने भी काफी तहकीकात की है, ऐसा इनका दावा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुकम्मल जांच नहीं हुई है और भी इसकी कई परत खुलनी है, लिहाजा किताब के पहले हिस्से का रस्म इजरा किया गया है। 30,000 करोड़ के मामले में महज 30 करोड़ की मिल्कियत की जब्ती की गई है, जो अजीब है, ऐसा भी तिनेकर का कहना है। बेलगाम शहर में फिलहाल गणेश त्योहार चल रहा है, लिहाजा इसके मद्देनजर डीसीपी जगदीश रोहन बुलेट पर राउंड्स लगाते हुए देखा गया। इनके आमद पर फूल बरसाए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।